हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नितिन गुप्ता। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से जहाँ तक हो पाएगा आज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में बाई पार्ट से हमारा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो वीडियो 2-3 पार्ट में आएगा। ठीक, तो आप लोग उसको देखिएगा और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक इसमें जो एक्सरसाइज 5.3 है ना, इसमें क्या बात की गई, सम की बात की गई है। जैसे आपके पास कोई एपी है, मान लीजिए 2, 5, 8, 11, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ये एपी है तो पूछ रहा है कि इसके एन टर्म का, अगर पूछे कि इसके एन टर्म का क्या बताइए आप, सम बताइए। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है एन टर्म के सम के लिए, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है ना, ठीक। देखिए, एक एन टर्म को ऐड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको बस इतनी चीज़ों को, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, n माइनस वन इंटू डी। अब इस इतने चीज़ का यूज हमने धूमधाम से किया है, इसका यूज प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में धूमधाम से हम लोग नहीं किए हैं। ए एन बराबर होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, और एल बराबर भी तो यही होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एल बराबर भी होता था। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इतनी चीज़ को ए एन लिख सकते हैं कि नहीं हम, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एल भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मतलब क्या आया, मतलब ए देखिए एन बाई टू बाहर पहले से ही है तो रहने दीजिए, एन बाई टू एन बाई टू, तो आपका क्या आया, एस एन बराबर ए, एक फार्मूला ये आया आपके पास, और एस एन बराबर एक फार्मूला ये आया आपके पास। कुल कितने फार्मूले आपके पास हैं, कुल अगर कहें तो आपके पास 3 फार्मूले हैं। ठीक है, अगर एनवा टर्म हमको पता हो तब ये लगाएंगे, लास्ट टर्म पता हो, एनवा टर्म का ये या लास्ट टर्म का ये बात एक ही है, तो कुल मिला के आपके पास बस 2 फार्मूले, एक फार्मूला ये और लास्ट टर्म के लिए ये। ठीक है ना, तो n बाई टू ए प्लस एल एक फार्मूला, और n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दूसरा फार्मूला। अब जितने भी क्वेश्चन लगेंगे इसका भी यूज होगा, ठीक, इसका तो यूज होगा ही, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, इसका यूज तो होगा ही। ठीक, और क्या बोलते हैं, इसका इन दोनों का यूज इस एक्सरसाइज में धूमधाम से होगा, और इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हम एक्सरसाइज आपको बताने से पहले ये समझ रहे हैं कि आप लोग को ये सब कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। क्या कह रहा है कि सम निकालना है, जो हमको एपी दिया है पहले में दिया, पहला पहले का पहला। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, एपी हमारे पास 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। मतलब हमको n बराबर 10 दिया है, ठीक है ना, n बराबर 10 दिया है, a बराबर 2 दिया है, और d बराबर 5 दिया है। अरे कॉमन डिफरेंस 7-2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और हमको क्या कह रहा है, हमको सम निकालना है इसका। मतलब अगर 2, 7 इसको जोड़ें, जैसे आपके पास जो ap है यही ap है ना, 2, 7, 12 फिर इसके बाद क्या आएगा 17, फिर आएगा 22 एंड अप टू जाएंगे। तो पूछ रहा है कि 2 + 7 + 12 + 17 + 22 प्लस एंड सो ऑन कुल कितना होगा, ये आप बताइए। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था सम के लिए, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, डी पता है, डी रखेंगे, एन भी पता है, ये सब तो रखिए आप, एस टेन यानी एन बराबर 10 है ना, 10वें टर्म तक बताना है, तो एन बराबर 10 बाई टू टू ए, ए मतलब 2, 2 × 4 2 × 2 प्लस एन, एन कितना है 10, 10 - 1 डी कितना है 5, वैल्यू रख दिए, अब सॉल्व कर ही लेंगे, 5 यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए 5 आ जाएगा, 2 × 4 प्लस 10 में से 1 जाए 9, 9 × 5 = 45 45 × 4 = 49 और 49 × 5 = 245। ठीक, एस टेन बराबर आपके पास 245, यानी अब इसको आप जब जोड़ेंगे 10 टर्म तक लेके तो आपका कितना आएगा 245 आएगा, यानी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी 10 शुरू के 10 टर्म को जब आप जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा 245 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, -37। ठीक, -37
हमारे पास ए पी दिया है और पूछ रहा है कि इसका सम बताइए अप टू 12 टर्म्स। तो हमारे पास क्या है, ठीक, -37 -33 -29 एंड सो ऑन अप टू 12 टर्म्स, 12वें टर्म्स तक हमको सम बताना है। तो पहले ए लिख लीजिए हमको, देखिए जो गिवन दैट है उसको तुरंत लिखा करिए, कोई इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। -37 डी बराबर कितना आएगा, -33 -37 ठीक, तो कितना आएगा -33 +37 कितना आया, +4 आया। और n बराबर कितना आपको दिया है, n बराबर आपको कितना दिया है 12। तो पूछ रहा है Sn बताइए, सम बताइए जोड़ के इन सबको, जब आप 12 टर्म्स तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है Sn बराबर n बाई 2 2a, ऐसे 10 बार जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर्मूले को जरूर लिखिए। जब फॉर्मूले को लिखेंगे ना तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। तो एस 12 निकालना है हमको सम आप 12 टर्म तक, तो 12/2 2a, a की वैल्यू -37 से 35 × 70 2×2 = 4 -74 +n − 1 डायरेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं ना है, 12 में से 1 जाए 11, डी की वैल्यू -4 आया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 -74 +44 ठीक है, तो 40 30 आएगा ना यहाँ से, 30 -30 तो -180, यानी इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा एस 12 तक -180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला छोड़ के हम बता दे रहे हैं आपको चौथा क्वेश्चन जो अपान में दिया है ना, ठीक, थर्ड वाला आप अपने से कर लीजिएगा, सेम पैटर्न पे लगेगा, ठीक है। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन अब हम देखेंगे, थर्ड एक आध अपने से लगा लेंगे, कोई कौन क्या दिक्कत है, सब मैथ छापेंगे तो ही। चौथा क्वेश्चन इसका है 1/15 1/12 1/10 अप टू कितना 11 टर्म्स। कुछ नहीं करना है, कहीं अगर अपान आए कुछ भी आए तो आप उससे घबराया मत करिए, ठीक है, उससे मतलब बस जो आपको दिया है पहले वही लिखिए, आपको क्वेश्चन खुद ब खुद बताएगा क्या करना है। तो आपको क्या क्या दिया है वो लिखिए। तो आपको दिया क्या है, ए बराबर 1/15 दिया है, ठीक, ए के बाद क्या चाहिए हमको, कॉमन डिफरेंस डी चाहिए, तो 1/12 -1/15 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा, तो 12/25 60 5 ठीक है, 12/25 60 5 15/64 -4 यानी बराबर बराबर कितना आएगा 1/60। हमारा डी कितना आ गया 1/60 आ गया, और हमारे पास एन दिया है, एन बराबर क्या दिया 11, हमको एन 11 दिया है, यहाँ पे 11 टर्म्स दिया है, तो हमको एस 11 चाहिए यानी सम ऑफ 11 टर्म्स। तो एस 11 बराबर 11/2 2 पहले फॉर्मूला लिखता हूँ ना, एन बाई 2 2a प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखिए इसको क्या करिए, एन की वैल्यू दिया 11/2 2a, a की वैल्यू क्या, एक वैल्यू 1/15 यानी 2/15 प्लस n -1 n कितना दिया आपको, n 11 दिया है, तो 11 - 1 d कितना निकाले हैं आप 1/60 निकाले हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 11/2 पहले ही रहने दीजिए, यहाँ से 2/15 और यहाँ से प्लस 10/60 यानी 1/6 और इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम मत लीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई लेके, 12 + 15/90 ठीक। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 × 15 = 27 तो आएगा 27/90 27 कितना आएगा 11/2 × 27/90 यही आएगा ना। तो देखिए किससे कट रहा है, 9 से 9 × 9 = 27 9 × 9 = 90 ठीक है, 11 × 3 = 33/20 33/20 आ गया। तो ये कितना आएगा 33/20 आपका आंसर हो जाएगा सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी ठीक है। नाउ अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमको अब सॉल्व करना है ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो ठीक है। हमको दिया है सम, दिया है सम निकालना है ठीक है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है उसमें ठीक, फाइंड द सम्स गिवन बिलो में हमको दिया है 7, 10 and 1/2 7, 10 and 1/2 ठीक। इसके बाद क्या दिया 14 प्लस एंड सो ऑन 84 हमको दिया है। पूछ रहा है कि इसका सम बताइए कितना होगा, इसको ऐड करके बताइए कितना होगा ठीक। पहले तो देखिए ये क्या है, एपी में है कि नहीं ये चेक करना है। तो इसमें ए बराबर 7 दिया है, डी बराबर निकालिए, डी बराबर निकालिए 10 × 2 = 20 21/2 -7 कितना आएगा 14 × 14 = 7/2 आएगा। इस एक बार और चेक करने के लिए एपी में है कि नहीं, तो इसको भी यहाँ से भी सबट्रैक्ट करके देख लीजिए एपी में है कि नहीं। वैसे एपी में है तो एपी में होगा ही, लेकिन आप चेक कर लीजिए तो कितना होगा 14 − 21/2 तो 28 − 14 = 28 −21/2 7/2 मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ भी आ रहा है 7/2 यहाँ पे भी 7/2 मतलब हमारा जो एपी में है ठीक। नाउ
अब इतना हो गया, अब देखिए हमको क्या कह रहा है, सम निकालो, मतलब हमको देखिए टर्म नहीं पता है, पता है आपको कितना टर्म है इतने में कि जो हमारे पास एपी है, क्या आपको पता है कितना टर्म है? नहीं पता है, तो आप पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, पहले हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, टर्म, कैसे, देखिए आपके पास फार्मूला था एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपके पास ये फार्मूला था। अब देखिए आपको ए पता है, डी पता है, एन पता है आपको रखने के लिए इसमें, नहीं पता है, तो आप पहले क्या निकालिए, नंबर ऑफ टर्म। अब देखिए उसमें दिया क्या क्या है, ए बराबर सेवन दिया, डी बराबर सेवन बाई टू, लास्ट टर्म आपको क्या दिया, 84, यानी आपको एल बराबर 84 दे दिया है, तो आपके पास फार्मूला है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक, तो L 84 दिया है बराबर A कितना है आपके पास 7 प्लस N, N नहीं पता, D आपको निकालना है, D कितना है 7 बाई 2, तो अब इधर से देखिए इधर इसको लेके आएंगे तो सब इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 4 3 कितना आएगा 77, ठीक 77 बराबर N माइनस 1 इंटू 7 बाई 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 11 से काटिए, 11 दूनी 22, N माइनस 1 बराबर 22, N बराबर 23, एन बराबर 23 आ गया। अब धूमधाम से इसमें रख दीजिए n की वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा, यानी एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें रखिए धूमधाम से, तो n बराबर 23 आया है आपके पास, टू टू ए, ए कितना है आपके पास 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास 7/2, ठीक यहाँ पे n की वैल्यू 23 है ना आपके पास, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23/2, 7 × 2 = 14, 22, 11, 77, अरे यहाँ पे 22 आ जाएगा, 11 भाग देंगे 11, 77, और देखिए 14 और 81 91, यानी 23 × 91/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लगेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कॉमन डिफरेंस 2 है, ए बराबर 34 है, लास्ट टर्म 10 है, यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालिएगा, फिर वो वैल्यू इसमें पुट करके आप लोग निकाल लेंगे, ठीक। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी लगेगा, ठीक, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है, कठिन रहता तो हम जरूर आपको बताते, ठीक है ना। नाउ अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गिवन क्या कह रहा है, सम निकालना है, किसी में एस टेन निकालना है, किसी में एस फाइव निकालना है, ठीक है, ऐसे निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, इसमें ए भी पूछा है, ए नाइन भी पूछा है, हर एक क्वेश्चन में मतलब वेरिएशन किया है, ठीक है ना क्वेश्चन को, ठीक। नाउ पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर 5 दिया है हमको, देखिए इसमें का सब कराएंगे, 10 क्वेश्चन है 10, ठीक, तीसरे का पहला, ठीक, हमको क्या है दिया है ए बराबर 5, ए बराबर 5, डी बराबर 3, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, और क्या, फाइंड एन एंड एस एन, हमसे दो चीज पूछा है, क्या क्या पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स पूछा है और पूछा है एन पूछा है, हमसे क्या क्या पूछा है, सम ऑफ एन टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो क्या करना है, सब आपको दिख नहीं रहा है, सब दिख रहा है आपके पास, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन लगेगा, नहीं याद रहेगा तो एक रत्ती भर भी उसको आप हिला नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मूला याद करके चलिएगा, ठीक। ए एन माइनस वन इंटू डी, ए एन बराबर 50 दिया है, ए एन बराबर 50 दिया, ए आपके पास 5 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास 3 है, तो यहाँ से 45 बराबर एन माइनस वन इंटू 3, यहाँ से 15, यानी एन माइनस वन बराबर 15, एन बराबर 16, एन बराबर आपका क्या आ गया 16 आ गया, ठीक। एन बराबर तो आपकी एक चीज़ तो निकल गई 16, अब पूछ रहा है एस एन निकालो, एस एन बराबर क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन होता है, तो एन बराबर 16 पता है, तो 16/2, टू ए पता है आपको 5 प्लस एन माइनस वन मतलब 16 - 1, डी पता है आपको 3, बस यहाँ से क्या आ गया 8, 10 प्लस 45 कितना हुआ 55 8 × 55 = 8, 8 × 5 = 400 और 40 शायद यही होगा, 8 × 55 तो कितना आएगा 40 × 5 = 8 × 5 = 40 0 × 8 = 4 = 44 आंसर आ जाएगा, यानी एन बराबर आपका आया है 16 और एस एन बराबर 440 आंसर आपका आ गया, ठीक, यही था हमारा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखिए, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में ही करिए, एक आध स्टेप खा जाइए, लेकिन नहीं आप लोग नहीं खाइए, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में जितना स्टेप लिखेंगे मार्किंग वैसे ही मिलेगी, ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर नाउ टू देखते हैं, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन ना, यहाँ पे 2 बनाते हैं,
दो बनाते हैं, तो इसमें क्या दिया a बराबर 7 और क्या दिया है a 13। देखिए a 13 दिया है, जब देखिए जब a n दिया रहता है तो a n टर्म्स की बात होती है, ठीक। a 2 दिया है तो मतलब ये जो है दो टर्म है इसमें, ठीक। अगर a 13 दिया है मतलब क्या, a 13 दिया है मतलब क्या 13 टर्म, यानी a प्लस 12 d की बात किया है, 13वां टर्म की बात किया है, ठीक है ना, ठीक ठीक। तो अब देखिए नाउ a 13 बराबर 35 और क्या दिया है आपको फाइंड d, इतना ही देके कह रहा है फाइंड d, d निकालिए और क्या निकालिए s 13 निकालिए, यानी सम ऑफ 13 टर्म निकालिए, ठीक। यानी आपको देखिए s 13 a 13 जो है ना ये आपका लास्ट टर्म है, क्योंकि आपके पास s 13 का सम पूछा, जैसे देखिए a 1 a 2 a 3 ऐसे सो ऑन a 13 तक जाएगा, ठीक। तो ये सम s 13 तक पूछा है, मतलब यहीं तक का सम आपसे पूछा है, यानी इस ap का लास्ट टर्म क्या होगा a 13 होगा, पता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात हमको क्लियर होती है, ठीक। नाउ हमको d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, a 13 को आप क्या लिख सकते हैं, a 13 बराबर 35 दिया है तो a 13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12 d लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, a बराबर 7 पुट करिए प्लस 12 d बराबर 35, तो 12 d बराबर 35 में से 7 जाए 28, तो d बराबर 28/12 यानी 14/6 यानी 7/3, ठीक 7/3, d बराबर 7/3 आ गया, ठीक। d बराबर क्या आ गया 7/3। नाउ अब आपको क्या निकालना है s 13 आपको निकालना है, तो s 13 बराबर क्या होता है, s 13 बराबर यहाँ पे देखिएगा, नाउ आपको क्या निकालना है s 13, तो s 13 बराबर पहले sn जानिए क्या होता है, sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये क्या होता है sn। तो s 13 आपको निकालना है, तो क्या होगा 13/2 2a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n कितना है आपके पास 13, यहाँ पे देखिए 13 है ना, तो n 13 माइनस 1 d कितना है 7/2 आपके पास d है, नहीं 7/3 आपके पास d है, सॉरी। नाउ s 13 बराबर इसको देखिए 13/2 7 × 2 = 14 प्लस यहाँ से 12 आएगा, 3 × 4 = 12 7 × 4 = 28 28 14 42 42 में से 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 21 13 × 21 यानी 13 × 13 13 × 26 13 × 13 13 × 13 3 हासिल 13 × 26 = 27 273 आ जाएगा s 13, यानी आपके पास 2 पूछा था दोनों लग गया, s 13 की वैल्यू 273 और d की वैल्यू कितनी आई थी 7/3, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखिए, हम अब आपको हिंट दे देते हैं ना, इसमें 10 क्वेश्चन है, थोड़ा हिंट ले लीजिए तो अपने से लगाइएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या दिया a 12 दिया यानी a प्लस 11 d दिया है हमको, a प्लस 11 d दिया है 37, d 3 दिया है तो a निकालना है, तुरंत निकाल लेंगे, देखिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी ना, क्या है हमको थर्ड क्वेश्चन तीसरा, थोड़ा प्रैक्टिस किया करिए ना, क्या दिया है a 12 बराबर 37 और क्या दिया है एस 10 बराबर 125, फाइंड डी, डी प्राप्त करने के लिए पूछा है, डी निकालिए, नहीं डी नहीं निकालने के लिए कह रहा है, ए बराबर 37 और डी बराबर 3 दिया है, अरे यार उल्टा सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, डी बराबर 3 दिया है, फाइंड ए पूछा है हमसे और क्या पूछा है एस 12 पूछा है हमसे, ठीक। तो अब देखिए कैसे निकलेगा, अगर देखिए यहाँ से एक ए तो यहाँ से निकल जाएगा, डी पता है यहाँ से नहीं निकल जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं ए 12 बराबर 37 हमको दिया है, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी बराबर 37, तो ए की वैल्यू हमको निकालनी है तो ए यहाँ पे रहने दीजिए, डी की वैल्यू पता है प्लस 11 × 33 बराबर 37, तो ए बराबर चार पता चल गया। एस 12 निकालना है हमको, एस 12 मतलब एस एन मतलब क्या होता है पहले वो लिखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या होता है एस एन बराबर होता है, एस 12 बराबर क्या हो जाएगा 12/2 2a, ए की वैल्यू आपको पता है 37, नहीं ए की वैल्यू आपको कहाँ पता है 37, ए की वैल्यू 4 निकाले है ना, तो ए की वैल्यू 4 प्लस n आपको पता है 12 - 1, d की वैल्यू क्या है 3 दिया है क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाउ इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे,
ठीक है, और क्या बोलते, समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हो सके तो इसमें आप लोग सब लगाइएगा, इसमें दो चार क्वेश्चन हम और बता देंगे आप लोगों को, और इसके बाद हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, आप लोग पढ़िए और सबको भी शेयर करके उनको भी कहिए पढ़े, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।